तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक स्पीड क्यूबर रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते वक्त एक्चुअल में क्या देखता है। जब हम नॉन क्यूबर होते हैं हमारे दिमाग में काफी मिथ होते हैं कि यार ये स्पीड क्यूबर की फिंगर्स इतनी तेज कैसे चलती हैं, क्या रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगती है। बट जब हम सीख जाते हैं तो हमारे काफी मिथ जो है वो बस्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारे दिमाग में ये जरूर रहता है कि एक स्पीड क्यूबर क्या सोचता है जब वो इंस्पेक्शन टाइम में अपने क्यूब को इंस्पेक्ट कर रहा होता है, कैसे वो अपने क्रॉस को इतनी जल्दी मैनेज करता है। तो आज की वीडियो में स्लो मोशन में सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं और एकदम अच्छे से देखना और हम देखेंगे कि एक स्पीड क्यूबर सॉल्व करते वक्त एक्चुअल में क्या सोचता है। तो एक सॉल्व से देखते हैं कि एक्चुअल में एक स्पीड क्यूबर क्या सोचता है जब वो क्यूब को सॉल्व करता है। तो मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूं क्यूब को और ये एक फास्ट सॉल्व होगा, उसके बाद मैं स्लो मोशन में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे मैंने इसे सॉल्व किया। अब आप अगर इसे देख रहे हो नॉर्मली तो आपको क्या लग रहा होगा, यार मेरी फिंगर्स पता नहीं कैसे चल रही हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने इंस्पेक्शन टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने इस क्यूब को सॉल्व किया और अपनी OLL और PLL को सॉल्व करके इसको अराउंड 15 सेकंड्स में मैंने इस वाले क्यूब सॉल्यूशन को सॉल्व किया। अब स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्शन टाइम में मैंने सबसे पहले अपनी क्रॉस एजेस देखी जो कि रेड ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज आपको दिख रही होंगी। देन फिर मैंने अपना इंस्पेक्शन टाइम में ही क्रॉस को पूरा फॉर्म कर लिया था और जैसे ही मैंने अपने टाइमर से हाथ हटाया मैंने तुरंत अपनी क्रॉस एजेस को लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने अपना पहला F12 पेयर देखा रेड और ब्लू वाला, फिर मैंने अपना सेकंड F12 पेयर उसी के साथ देख लिया ऑरेंज वाला, देन थर्ड वन जो मैंने रेड और ग्रीन वाला देखा और फिर लास्ट वन मैंने करके इसको लगा दिया। उसके बाद OLL को जब मैं सॉल्व कर रहा था और लास्ट एल्गोरिदम लगाने का लास्ट मूव कर रहा था तभी मैंने अपनी PLL को देख लिया और तब जाकर ये क्यूब जो है वो 15 सेकंड में सॉल्व हुआ। तो यार एक स्पीड क्यूबर क्या करता है, इंस्पेक्शन टाइम में अपना सब कुछ यूटिलाइज कर लेता है और ट्राई करता है कि क्रॉस एजेस के साथ साथ वो अपना पहला F12 पेयर भी इंस्पेक्शन टाइम में ही मैनेज कर ले, क्योंकि जैसे ही क्रॉस को खत्म करे वो तुरंत ही वो अपने पहले F12 पेयर को भी लगा सके। और जब वो अपना पहला F12 पेयर लगा रहा है, अब जितने भी आगे F12 पेयर लगाएंगे उसको पहले ही लुक अहेड से वो सॉल्व कर लेगा। हमें क्या लगता है, हमें ऐसे यार हाथों को इतना तेज सॉल्व कर रहे हैं, हमें लगता है पता नहीं यार इनके हाथ ही तेज चलते होंगे स्पीड क्यूबर के, बट ऐसा नहीं है, सब प्रैक्टिस से आता है। जितना आप इंस्पेक्शन टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो, जितने अच्छे से आप अपने पहला F12 पेयर लगाते हो और उसके बाद लुक अहेड को जितना अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो उतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। OLL PLL का इतना खास नहीं पड़ता, बट स्टिल पड़ता है कि आप लास्ट एल्गोरिदम जब OLL की लगा रहे हो और उसका लास्ट मूव लगा रहे हो उसी टाइम आप PLL को पहचान गए अगर, तो आपके सॉल्व में बिल्कुल भी पॉज नहीं होगा। तो आज के वीडियो में ये तो एक्चुअल में पता चल गया होगा आपको कि यार एक स्पीड क्यूबर क्या एक्चुअल में सोचता है और कैसे वो सॉल्व करता है क्यूब को, और नॉन क्यूबर को क्या लगता है कि यार ये तो कुछ जादू चल रहा है और रूबिक्स क्यूब को वो ऐसे अपनी फिंगर की स्पीड से सॉल्व कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ओके, तो आज का वीडियो थोड़ा अलग था चैनल से रिलेटेड, बट काफ़ी मज़ा आया मुझे बनाने में और आपको भी देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।